हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रतिया शहर में अनेक समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। शहर का सफाई रैंक सबसे नीचे होने पर भी कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। पहले तो सरकार के विपक्ष में विधायक होने के कारण रतिया में समस्याएं थी, लेकिन अब तो सत्ताधारी सरकार के विधायक लक्ष्मण नापा है, फिर भी शहरवासियों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। रतिया शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है और शौचालय व्यवस्था भी नहीं है। जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। डॉक्टरों ने भी वेस्ट डिस्पोजल के ढेर लगा रखे हैं। जाम की स्थिति और अन्य कई समस्याएं हैं, जिससे कि शहरवासियों को काफी समय से जूझना पड़ रहा है। स्कूलों के बाहर, सरकारी कार्यालयों के बाहर, शहर के मेन बाजार में, अन्य जगहों पर जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। गंदगी के कारण बीमारियां फैलने का भय बना रहता है। दुकानदारों का कहना है कि इतनी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं कि उनके व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। अपने स्तर पर पैसे इकट्ठे करके गंदगी का ढेर उठवाया जाता है, लेकिन फिर भी प्रशासन उनकी सुध नहीं ले रहा है। रतिया से हमारे संवाददाता रवि गोयल की रिपोर्ट। मेरा नाम धर्मपाल है जी। अच्छा, जो ये गंदगी का आलम छाया है, कब से समस्या आ रही है? ये 5-6 साल से देख रहा हूँ जी मैं तो यहाँ पे। क्या समस्या आ रही है, क्या परेशानी हो रही है? यहाँ पे सफाई कर्मचारी कोई है नहीं जी, और ना ही सफाई होती है यहाँ पे। अगर कोई सफाई है, दुकानदार इकट्ठा कर भी देते हैं, ये मटेरियल जो गंदगी का ढेर है वो उठाने नहीं आता कोई यहाँ पे, तो दुकानदार कहाँ गिराए इसको। 5 साल से जो यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे होते हैं, जो सफाई करनी है वो हम अपने सत्र पे इकट्ठा करते हैं। अपने सत्र पे ही एक दो बार हमने ट्रालियाँ मंगवाई, ट्राली भरवा के अपने ही पैसों से खर्चा करके हमने बाहर फेंकवाया माल, ये कचरा जो है, समझे ना। अब यहाँ प्रशासन कोई कचरा नहीं, ना तो कचरा उठाने आता है, ना ही कोई सफाई कर्मचारी है। और कब से समस्या आ रही है, और इसको लेकर आपने किस क्या अधिकारी को गुहार लगाई है? कई बार लगा चुके, नगर पालिका में जाते हैं तो एक दो बार वो कोई ट्राली वगैरह भेज देते हैं, उसमें कचरा उठवा देते हैं, अन्यथा वो द्वारा कोई गौर नहीं करते वहाँ। क्या इतनी गंदगी में आपके कोई व्यापार पर भी असर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है जी, यहाँ पे बदबू मारती है हर टाइम। ये कोरोना कोरोना लोग तो कहते हैं कोरोना की मार चल रही है, पर कोरोना की मार तो हमें यहाँ से लगता है, क्योंकि यहाँ लोग मलमूत्र भी यहीं पे करके जाने लगे गंदगी के ढेर को देखते हुए। हमारी तो प्रशासन से यही मांग है भी प्रशासन इधर और ध्यान दे थोड़ा सा, ये कचरा वगैरह है जो यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी को लगा के यहाँ से ये कचरा उठवाया जाए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।